सामने देखो मुंह डाल दो कौन कट कर रहा है कौन कट कर रहा है कौन सर भाई इधर सर भाई भाई आ जाओ भाई थोड़ा सा तू खाली आ थोड़ा खाली प्लीज ओके एवरीबॉडी चलिए जल्दी आ चुके हैं वेट स्टार्ट शूटिंग नाउ क्लियर स्टेज प्लीज काटो
बच्चों को काट लिया ओके चलो बच्चों का भी माइक्स आ चुके हैं सामने, माइक सारे आ चुके हैं सामने। ये बात मेहनत कर रहे हैं और आज का एपिसोड तो मतलब सोने पे सुहागा है क्योंकि 90s का एरा उसमें गाने ऐसे ऐसे देखने को सुनने को मिल रहे हैं। वो गाने जो 90s में जब आप गाड़ी लेकर अपनी गर्लफ्रेंड को घुमाने की कोशिश कर रहे थे, ये वो ऐसे ऐसे गाने हैं, मतलब कमाल है। और कुमार दा ने तो मतलब आज जो हंसाया है, आई स्वेयर टू गॉड, ये मुझे एक सेकंड के लिए मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं सुपरस्टार सिंगर में नहीं हूँ बल्कि कपिल शर्मा के शो में इतना हंसाया है उन्होंने। ही इज सुपर एंटरटेनिंग यार, आई एम वर्किंग विद हिम फॉर द फर्स्ट टाइम, बट सोचा नहीं था इतना हंसाएंगे। बेहतरीन बेहतरीन, बहुत अच्छा। और तीनों की केमिस्ट्री बहुत ही प्यारी लग रही थी, इतना क्यूट लगते हैं तीनों साथ में, क्योंकि पहली बार ही देखने को मिल रहा है किसी को भी टेलीविजन पर। आई 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 जिनकी बात हो रही थी वो आज देख सकते हैं, कितने क्यूट लगते हैं तीनों साथ में, बहुत लगते हैं। मैम 90s की बात करें तो तीनों आइकॉनिक यहां पर ही है, सो कितना प्रिविलेज फील करते हैं आप सभी? वी आर वेरी ब्लेस्ड कि तीनों हमें आशीर्वाद देने के लिए एक साथ आए हुए हैं। बेसिकली हमारे शो पे त्रिदेव आए हुए हैं। वाह वाह वाह। और ये हम सबकी खुशनसीबी है कि इतने महारथी हमारे स्टेज पर आए हैं सुपरस्टार सिंगर के। और हमने हमेशा इनके, अब तो अभी भी हम छोटे हैं, जब हम बहुत ही ज़्यादा छोटे थे हम तब भी इनके गाने सुनते थे, और जब हम इनके गाने सुनते हैं तो हमें ऐसा इतना सुकून मिलता है कि मतलब ऐसा लगता है कि ये गाने आज ही रिलीज हुए हैं। क्या बात है। आज एक चीज़ मैंने हमारे गेस्ट से सीखी है, वो ये है कि चाहे आप कितने भी बड़े हो जाए, कितने भी बड़े लेजेंड हो जाए, कितना भी काम किया हो, लेकिन आज मुझे पहली बार ऐसी फीलिंग आई है कि ये गेस्ट नहीं बल्कि ये शो के पार्टी है। You know, एक ही क्या बोलते हैं फैमिली की तरह मस्ती कर रहे हैं। मुझे लग रहा नहीं है कि मैं कोई लेजेंड के साथ काम कर रहा हूँ, ऐसा लग रहा है कि यार ये तो हमारे दोस्त है, सब साथ में मस्ती कर रहे हैं। मजाक में हम लोग काफी टाइम वेस्ट कर लिए। दादा हम लोग कभी कभी भूल गए कि कंपटीशन चल रहा है, ऐसा लग रहा है। एक्चुअली क्या है, जो भी हो लेजेंड छोड़ो एक तरफ, यहाँ इस मंच के जो असली स्टार्स हैं वो ये बच्चे हैं, हम लोग नहीं। एक्चुअली करेक्ट, दे आर द रियल, दे आर द सुपरस्टार, हम सिर्फ इनको प्रोत्साहित करने आए हैं। ये खुशी की बात है कि हम तीनों आज साथ में स्टेज शेयर कर रहे हैं और इतने टैलेंटेड बच्चों के साथ। ओके सर ने जैसा कहा कि तीनों शेयर करी और ये फर्स्ट टाइम होगा यार, 30 इयर्स के बाद ये आप तीनों एक ही मंच पे आ रहे हैं साथ में, तो क्या कहना चाहिए, कैसा कोई पुराने यादें कोई शेयर करना चाहे आप तीनों? अरे बहुत सी यादें हैं, शेयर करने जाएंगे तो यही खड़े रहेंगे रात भर। उसके लिए आपको देखना पड़ेगा सैटरडे संडे का एपिसोड, ये उसके लिए आपको देखना पड़ेगा, सिंगिंग का कल देखना पड़ेगा, सोनू का सुपरस्टार सिंगिंग का पड़ेगा। 30 साल के अंदर बहुत सारी बातें, 30 साल के अंदर बहुत सारी यादें हैं, बातें हैं, मजे हैं, मस्तियां हैं, गाने हैं, तो वो सब आज शेयर कर रहे हैं, जितना होगा कोशिश करेंगे। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि ना जितने भी कमाल कमाल की एक्सपीरियंस इन लोगों की लाइफ में आए हैं उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत कुछ सीखा है, और लोगों को ये जानने को मिलेगा कि हर गाने के पीछे या जो भी गाने हम सुनेंगे उन गानों के पीछे बहुत इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनने को मिलेंगी। क्या बात है, वी आर वेरी एक्साइटेड। या ठीक है, चलो बाय, थैंक यू, बाय।